नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस बार देखो, एशियन गेम्स जो अभी फिलहाल चल रहे हैं इंडोनेशिया में, इंडिया की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, मतलब पहले से इंप्रूव हुई है। तो टॉपिक का नाम ये है, क्या स्पोर्ट्स पावर बनने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं, क्या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर आ चुका है या फिर नहीं। पहले हम डिस्कस करेंगे उन आर्गुमेंट्स को जो एडवोकेट करते हैं कि इंडिया स्पोर्ट्स में वर्ल्ड पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच चुका है। आर्गुमेंट्स इस प्रकार से हैं, देखो एथलीट्स अब सिस्टम में विश्वास करने लगे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एथलीट्स को कैरियर मानकर आगे चलने लगे हैं। कई सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो अपने अपने गेम्स में टॉप पर हैं, मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर हैं, और उन एथलीट्स ने बहुत सारे यंग एस्पायरेंट्स को इंस्पायर किया है। इस वजह से जो सोसाइटल इंटरेस्ट है वो बड़ा है स्पोर्ट्स में, मतलब पेरेंट्स अब अपने बच्चों को अलाउ करने लगे हैं कि आप स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बना सकते हो। ये चेंज का ही नतीजा है कि आज हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने 2004 के ओलंपिक में मेडल जीता था, वो स्पोर्ट्स की बारीकियों को समझते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि गेम्स में मेडल जीतने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्पोर्ट भी अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। इवन आजकल हम उन गेम्स में भी मेडल जीत रहे हैं जहां पर ट्रेडिशनली फोकस नहीं किया गया है, मतलब हमारे देश में उन गेम्स के बारे में जानते भी बहुत कम लोग हैं, फिर भी हम उन गेम्स में मेडल जीत रहे हैं। इसका मतलब है चीज़ें चेंज हो रही हैं और हम जल्द ही स्पोर्ट्स में ग्लोबल पावर बन जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उन आर्गुमेंट्स को जो ये कहते हैं, नहीं अभी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अभी ग्लोबल पावर बनने से बहुत ज़्यादा दूर हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट तो देखो ये है कि जब भी कोई गेम ऑर्गेनाइज होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर एशियन गेम्स हो, और इन गेम्स में अगर इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी इम्प्रूव होती है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा कहने लगते हैं कि देखो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जल्द ही हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप एग्जांपल ले लीजिए, 2012 के ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल जीते? 6। उस समय लोग कहने लगे थे कि अगले ओलंपिक्स जब ऑर्गेनाइज होंगे तो हम 12 से 20 के बीच मेडल जीत सकते हैं ओलंपिक्स में। लेकिन 2016 में जब रियो ओलंपिक्स जब ऑर्गेनाइज हुए तो हमने मेडल जीते सिर्फ 2। 2016 के रियो ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस, छोटे छोटे देश आइवरी कोस्ट, फिजी, अजरबैजान, स्लोवेनिया, इनसे भी खराब रही। देखो अभी तक आज़ादी के बाद हमने सिर्फ ओलंपिक्स में 26 मेडल्स जीते हैं, और इंडिविजुअल्स गोल्ड मेडल्स की बात करें तो सिर्फ अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। देखो सभी देशों की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में कभी ना कभी खराब रही है। आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, 1980 से पहले चाइना ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल जीतता था, लेकिन इसके बाद चाइना के द्वारा एक ठोस स्पोर्ट्स नीति बनाई गई और उस नीति पर अच्छे से काम किया गया। आज चाइना बहुत सारे मेडल्स जीतता है ओलंपिक्स में। आप यूके का एग्जाम्पल ले लीजिए, 96 के आसपास जब ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे तो उस समय यूके के द्वारा 2-3 गोल्ड मेडल जीते गए थे, लेकिन 2016 में जब ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए तो यूके के द्वारा 27 गोल्ड मेडल्स जीते गए। मतलब साफ है कि विभिन्न देशों ने अच्छे से काम किया है स्पोर्ट्स सेक्टर में, उन्होंने फोकस किया है कि कैसे स्पोर्ट्स में मेडल जीते जा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने कोई ठोस नीति बनाई नहीं है। अगर नीति बनाई भी है तो उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। आप कंपेयर कर लीजिए, यूके में कितना पैसा खर्च होता है स्पोर्ट्स के लिए और इंडिया में कितना पैसा खर्च होता है स्पोर्ट्स के लिए। देखो अगर मेडल्स जीतने हैं तो सरकार को स्पोर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाना होगा, ताकि
हमारे प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज मिल सके उनको फॉरेन एक्सपोजर देना होगा। सरकार देखो जो पैसा खर्च करती है वो भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता और करप्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है वो पैसा। आज भी कई सारे गेम्स ऐसे हैं जिनमें जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी जाती है प्लेयर्स को बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है बेंच स्ट्रेंथ से संबंधित। देखो ये बात सच है, बहुत सारे ऐसे गेम्स जिनमें ट्रेडिशनली हमारे प्लेयर्स ने मेडल नहीं जीते हैं, लेकिन अब हमारे प्लेयर्स उन गेम्स में भी मेडल जीतने लगे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बैडमिंटन में, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या इनके बाद कोई अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास बैडमिंटन में? शायद नहीं। बैडमिंटन की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मतलब साफ है कि देखो कुछ कुछ प्लेयर्स फ्रंट लाइन पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस गेम में पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है अच्छे प्लेयर्स की, ऐसा नहीं देखने को मिलता। कुछ अच्छे प्लेयर्स लेकिन पीछे कोई नहीं। सबसे लास्ट का आर्ग्यूमेंट ये है, देखो ये कहना कि जनता का जो इंटरेस्ट है अब जाग चुका है स्पोर्ट्स में, ये आर्ग्यूमेंट गलत है। जब जब कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं तब तब जनता का इंटरेस्ट जागता है, लेकिन इसके बाद जनता का जो इंटरेस्ट है वो भी ठंडा हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखो क्रिकेट में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता है या फिर चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है तब आता है। इवन नॉर्मल जो मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है तो लोग देख रहे हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल गेम्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होती है उनको लोग नहीं देखते। रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस, इवन जब इनकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होती है तो सीधा प्रसारण भी नहीं आता, मतलब लाइव टेलीकास्ट भी नहीं होता। जब इस प्रकार से चेंज आने लगेगा ना, तब हम वास्तव में कह सकेंगे चेंज आने लगा है, चीजें धीरे धीरे मूव कर रही हैं। कंक्लूजन में आप कह सकते हो देखो ये बात सच है कि हम ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, जो कि इस बात का संकेत है जल्द ही हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वर्ल्ड स्टेज पर धूम मचाएंगे। लेकिन सरकार को रुकने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को लगातार स्पोर्ट्स पर और भी ज़्यादा फोकस करना होगा। सरकार का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर एक घर के कल्चर में स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसे इंटीग्रेट किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पोर्ट्स के बारे में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज पुअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स गेम्स? देखो स्पोर्टिंग इवेंट्स, फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स में इंडिया की खराब परफॉर्मेंस के लिए कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके बाद आपको कुछ मेजर्स भी सजेस्ट करने हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं ताकि इंडिया को स्पोर्ट्स पावर बनाया जा सके। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।